Hello friends, welcome to Gates Measure. Let's check the schedule is conflict serializable or not. अभी मैंने वीडियो जो है लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे चेक करते हैं कि गिवन शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है. तो आप प्लीज पहले उस वीडियो को एक बार चेक कर लो और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहां से वो लिंक जो है चेक कर सकते हो. तो यहाँ पे मेरे पास एक शेड्यूल है, शेड्यूल का नाम ले लेते हैं एस, और इस शेड्यूल में तीन ट्रांजेक्शंस हैं T1, T2 एंड T3, और ऑब्वियसली हम पैरेलल ट्रांजेक्शंस की बात कर रहे हैं. और पैरेलल ट्रांजेक्शन में मुझे चेक करना है कि क्या ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं. उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ बना के चेक करते हैं. तो प्रेसिडेंस ग्राफ अगर मैं इसका बनाता हूं तो T1, T2 एंड T3 तीन ट्रांजेक्शन ली, तीन ट्रांजेक्शन है तो तीन मेरे पास वर्टेक्स बन गए ग्राफ के अंदर. अब मुझे चेक क्या करना होता है, कॉन्फ्लिक्ट पेयर. कॉन्फ्लिक्ट पेयर का मतलब है अगर मैं रीड ए की बात कर रहा हूं तो रीड ए का कॉन्फ्लिक्ट कौन है, राइट. मतलब रीड की लड़ाई किससे है, राइट से. तो रीड का कॉन्फ्लिक्ट है राइट, तो चेक करो राइट है T2 में, यस T2 में राइट है. तो T1 से T2, बिकॉज हम T1 पे चेक कर रहे हैं और मिला मुझे T2 पे, तो T1 से T2 एक लाइन डायरेक्टेड लाइन ड्रॉ कर दो. ऐसी चेक करो कि क्या T3 में राइट है, हाँ T3 में भी राइट है, तो T1 से T3 भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट मिल गया. अब एक तरह से मतलब इसका काम खत्म. राइट ऑफ ए, दूसरा ऑपरेशन कौन सा, राइट ऑफ ए. राइट ऑफ ए का कॉन्फ्लिक्ट कौन है, रीड एंड राइट बोथ. बस राइट के केस में आप याद रखना, राइट ए का कॉन्फ्लिक्ट रीड ए एंड राइट ए बोथ होता है. तो राइट ए का कॉन्फ्लिक्ट देखो कहीं पे है, ये रहा, तो T2 से T1 पे मिल गया, तो T2 से T1 पे मेरे को यहां पे मिल गया. इवन T2 से T3 भी है, T2 से T3 भी है, बट आपको फर्दर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपके ग्राफ के अंदर, प्रेसिडेंस ग्राफ के अंदर लूप आ गया या साइकिल आ गया, तो आप बोल सकते हो कि इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल. तो यहां पे मेरे पास कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मेथड बोल रहा है कि नो, इट इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. ये इसने आउटपुट दे दी, ये इसने आंसर दे दिया कि ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, मतलब ये सीरियलाइजेबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे मेरे पास लूप है. देखो T1 से T2, T2 से T1, तो देयर इज अ लूप. तो इस लूप की वजह से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है. लेकिन अगर मेरे पास एक ग्राफ, कोई भी ग्राफ अगर है, उस ग्राफ के अंदर लूप नहीं आता, मींस देयर इज नो लूप और साइकिल. इफ देयर इज नो लूप और साइकिल, तो हम क्या बोलते हैं कि यस दिस शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. अगर लूप नहीं आता तो मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो इसका सीरियल शेड्यूल जरूर एग्जिस्ट करता होगा. मतलब सीक्वेंस हम फाइंड करेंगे कि T1, T2, T3 या T1, T3, T2, जो भी मेरे पास शेड्यूल या सीक्वेंस बनता है, वो सीक्वेंस कोई ना कोई जरूर बनेगा, क्योंकि वो सीरियल बनेगा. और अगर ये सीरियल है तो यानी ये कंसिस्टेंट भी है. क्या है, कंसिस्टेंट भी है. तो एसिड प्रॉपर्टी की जो कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी है उसको ये फॉलो करता है. लेकिन कब ये हायरार्की, आपको ये हायरार्की आपको कब फॉलो करनी है, जब ग्राफ के अंदर लूप नहीं आता. अगर ग्राफ के अंदर लूप आ गया, जैसा कि यहां पे दिख रहा है, तो ग्राफ के अंदर लूप आ गया तो मैं बोल रहा हूं इसको नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. तो नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल का मतलब क्या है कि ये नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो क्या ये सीरियल नहीं है, मतलब ये सीरियलाइजेबल है या नहीं. तो मैं इसका आंसर अभी नहीं दे सकता. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कहता है कि अगर लूप है, लूप अगर है तो अब मेरे हाथ खड़े हैं, मतलब मैं अब इसके बाद आंसर नहीं दे सकता कि ये सीरियलाइजेबल है या नहीं है. लेकिन अगर लूप नहीं है, लूप नहीं है, तो ये बोलता है कि यस ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, यस सीरियल है, यस कंसिस्टेंट है. लेकिन अगर लूप आ गया तो अब मेरे पास आंसर नहीं है, अब मुझे नहीं पता कि ये सीरियलाइजेबल है या नहीं. तो यहां पे सेकंड मेथड यूज करते हैं हम, व्यू सीरियलाइजेबल मेथड. तो दिस इज द रीजन
दिस इज द रीजन की वाई व्यू सीरियलाइजेबल मेथड इज यूज्ड। अगर आपसे कहीं पे भी पूछते हैं कि व्यू सीरियलाइजेबिलिटी हम यूज क्यों करते हैं, तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप उसको ये बना के दिखा सकते हो। अब हम चेक करते हैं कि अच्छा ये अगर इसके अंदर लूप आ गया तो ये सीरियलाइजेबल है या नहीं है, क्योंकि नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, तो क्या ये सीरियलाइजेबल है? मुझे नहीं पता, आंसर यहां पे नहीं आ रहा। तो हम इसको चेक करते हैं। इस ग्राफ में मैं थोड़ा सा इस शेड्यूल के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं ग्राफ का। यहां पे मेरे पास अब कोई रोल नहीं है, इसको मैं एक थोड़ा सा इसमें रीअरेंज कर रहा हूं। कैसे? ये देखो, T1 T2 एंड T3 T1 T2 T3 वही हमने सेम ट्रांजैक्शन लिया, रीड ऑफ ए राइट ऑफ ए, दिस राइट ऑफ ए आई एम राइटिंग हेयर, राइट ऑफ ए राइट ऑफ ए। सी, मैंने इस राइट की पोजीशन को चेंज कर दिया, इस राइट को मैंने ऊपर लिख दिया और इस राइट को नीचे रख दिया। अब देखो ये ग्राफ एक सीरियल शेड्यूल है, पहले T1 खत्म होगा, फिर T2 खत्म होगा, फिर T3 खत्म होगा, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, या आप कह सकते हो कि क्या आपस में ये मैच करते हैं या नहीं। तो देखो, अगर मैं ए की वैल्यू को इनिशियली ए की वैल्यू को 100 लेता हूं, डेटाबेस में ए की वैल्यू कितनी है 100, रीड ऑफ ए क्या करेगा, ए की वैल्यू को कितना रीड करेगा 100 रीड किया, तो पहला कौन आ गया, ये राइट आ गया। इस राइट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड राइट, मतलब ये ब्लाइंड राइट कर रहा है, ये ए इज इक्वल टू ए माइनस 40। लेट से ये राइट क्या परफॉर्म कर रहा है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 40। तो जैसे ही इसने राइट ऑफ ए किया तो इस वैल्यू में क्या चेंज हो गया, ए की वैल्यू कितनी रह गई 60। ये राइट कह रहा है कि मैं ए इज इक्वल टू ए माइनस 40 करता हूं, ये कहता है कि मैं भी ए में 40 वैल्यू माइनस करता हूं। जब इसने 40 वैल्यू माइनस किया तो इस ब्लाइंड राइट जो 60 था, 60 में से 40 दोबारा माइनस हुआ, आउटपुट क्या दी इसने 20। और उसके बाद आता है ये राइट बोलता है कि मैं ए इज इक्वल टू ए माइनस 20 करता हूं। आपको बस ये ऑपरेशंस याद रखने हैं, ये कह रहा है कि ए इज इक्वल टू ए माइनस 40, ए इज इक्वल टू ए माइनस 40, ए इज इक्वल टू ए माइनस 20। अब इसने a is equal to a minus 20 किया तो अभी वैल्यू कितनी है a की 20, तो 20 minus 20 किया तो फाइनल वैल्यू ऑफ a कितनी आई 0। अब हम यही as it is यहां पे लगा के चलते हैं, ये राइट a मैंने ऊपर कर दिया, ये राइट a मैंने नीचे कर दिया, ये राइट a की पोजीशन फिक्स है, a की वैल्यू इनिशियली कितनी है 100, इसने क्या रीड किया 100, ये राइट ऑफ a कौन सा है, ये वाला, और ये राइट क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू a माइनस 40, तो यानी इसने क्या किया, वैल्यू को 60 कर दिया, 40 माइनस कर दिए, 40 माइनस कर दिए। ये a, ये राइट ऑफ a अब यहां पे आ गया, ये राइट ऑफ a यहां आया, और ये राइट क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू a माइनस 40, तो इसने भी क्या किया, 60 माइनस 40 किया, तो वैल्यू कितनी रह गई 20। ये राइट a और ये राइट a तो सेम ही है, उसी जगह पे रखे हुए हैं, तो ये राइट क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू a माइनस 20, तो ये राइट ने भी क्या किया, a इज इक्वल टू a माइनस 20, तो 20 की वैल्यू फाइनली कितनी हो गई 0। तो इसमें क्या थी फाइनली a की वैल्यू 0, और इसमें भी क्या आउटपुट आई फाइनली a की 0। तो दोनों एक तरह से दिखने में इक्विवेलेंट नहीं है, बट बोथ आर नॉट इक्वल, दिखने में कहां है इक्वल है, दोनों अलग अलग है, लेकिन बोथ आर इक्विवेलेंट। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, नहीं, ये है व्यू इक्विवेलेंट, ये व्यू इक्विवेलेंट है। तो दोनों में, क्योंकि फाइनल आउटपुट कौन जनरेट कर रहा है, ये वाला राइट, तो इस राइट और इस राइट को अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने वही किया, इस राइट को और इस राइट को ऊपर नीचे कर दिया, बट फाइनली राइट कौन कर रहा था, ये कर रहा है, और यहां भी फाइनल राइट कौन कर रहा है, T3 ही कर रहा है, यहां भी T3 कर रहा था, यहां भी T3, सिर्फ मैंने T1 और T2 के राइट को ऊपर नीचे कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब अगर आप ध्यान से देखो, ये इसका ग्राफ अगर आप दोबारा बनाओ तो T1, T2, T3 रीड ए का कॉन्फ्लिक्ट राइट कहां है, ये रहा T1 से T2, T1 से T3 भी ग्राफ,
यहां पे लाइन ड्रॉ होगी राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए का कॉन्फ्लिक्ट राइट ऑफ ए टी टू से टी थ्री या टी ऑलरेडी, मतलब इसको तो आपको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं, आप देख के चेक कर सकते हो, बिकॉज सबसे पहले टी वन एग्जीक्यूट होगा, फिर टी टू एग्जीक्यूट होगा, फिर टी थ्री एग्जीक्यूट होगा। तो यानी ये ग्राफ जो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बोल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बोल रहा था कि ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है, बट नहीं व्यू ने क्या बोला कि नो आई विल ऑल्सो चेक ये सीरियलाइजेबल है। तो कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम जब भी आपको जब भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक करते हो, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बहुत ही ईजी मेथड है चेक करने का, उसको चेक करो, लेकिन अगर उसके अंदर लूप नहीं आता तब तो वो आउटपुट देगा, अगर उसके अंदर लूप आ गया तो ये नॉन आंसरेबल है, नॉन आंसरेबल। तो फिर कौन आंसर देगा, कौन आंसर देगा, व्यू सीरियलाइजेबल आंसर देगा। बस ये चीज आपको माइंड में बिठानी है, तो आप चाहे व्यू सीरियलाइजेबल डायरेक्ट चेक कर लो, चाहे पहले कॉन्फ्लिक्ट या उसके बाद व्यू। व्यू काम कैसे करता है उसके ऊपर मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना बताना था कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्यू या व्हाई वी नीड अ व्यू सीरियलाइजेबल। तो इस शेड्यूल पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मेथड फेल हो गया, फेल हो गया, लेकिन व्यू सीरियलाइजेबल कहता है कि नहीं ये सीरियलाइजेबल है, आई विल चेक, आई विल गिव द आंसर। सो दिस इज हाउ वी चेक द व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, बट उसके अंदर क्या कंडीशंस है, क्या रूल्स है, वो फर्दर वीडियो में चेक करते हैं। थैंक यू।